हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशूल आर्ट। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कुछ प्लांटर्स। ये प्लांटर्स हम बनाएंगे जो हमारे वेस्ट बॉक्सेस होते हैं, थिन कार्डबोर्ड के जो वेस्ट बॉक्सेस होते हैं उनकी हेल्प से हम ये प्लांटर बनाने वाले हैं। और जैसे ये है एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ये किसी दवाई का बॉक्स है। इस तरह के हमारे पास काफ़ी सारे बॉक्स होते हैं, चाहे मिठाई के डब्बे से बच जाते हैं, पार्सल आते हैं तो उन फ्लिपकार्ट वगैरह के, तो उनके जो बॉक्सेस बच जाते हैं उनकी हेल्प से भी आप इनको बना सकते हैं। अगर आपके पास ये छोटे छोटे बॉक्सेस है तो आप इनसे मिनी प्लांटर बना सकते हैं, और अगर आपके पास बड़े बॉक्सेस हैं तो आप उनकी हेल्प से मतलब थोड़ा बड़े साइज़ के प्लांटर बना सकते हैं, फ्लावर पॉट टाइप के। और इनको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हम थोड़ा बहुत हम मोल्डेड क्ले का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा कार्डबोर्ड का यूज़ करेंगे, और चलिए देखते हैं हम क्या क्या बना सकते हैं और प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस छोटे से प्लांटर से। और एक्चुअली ये एक दवाई का थिन कार्डबोर्ड बॉक्स है, तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इससे बनाऊं क्या, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा क्ले का यूज़ करके मैं इससे अच्छा सा प्लांटर बना देती हूँ, आर्टिफिशियल प्लांटर। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा क्ले यूज़ किया है, और क्ले मैं हमेशा मोल्डेड क्ले ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मोल्डेड क्ले थोड़ा मतलब मजबूत हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो इसलिए मैं मोल्डेड क्ले का ही यूज़ करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। और फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर कर दिया और फिर गोल्डन का टच दे दिया, और ये देखिए हमारा प्लांटर बन के तैयार हो चुका है। और आप लोगों को ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए बनाते हैं ये अपना दूसरा DIY, और इसमें इसे भी मैंने दवाई के बॉक्स से ही बनाया है, और इसमें मैंने थोड़ी सी थिन कार्डबोर्ड शीट को यूज़ किया है और उसी से डिज़ाइन बनाया है। और इसे मैं प्लांटर की उसमें एज अ प्लांटर यूज़ नहीं करती हूँ, इसमें मैं अपने पेंट ब्रश रखती हूँ, और ये मतलब काफ़ी मजबूत भी है, अच्छा बनाया है, काफ़ी मजबूत बनाया है। और आप भी इस तरह से मतलब अपनी वेस्ट चीज़ों से कुछ भी बना सकते हैं। पहले तक मुझे ये सब चीज़ें वेस्ट लगती थी, तो जैसे ही घर में आता था तो मैं तुरंत फेंक देती थी, लेकिन जब से मतलब मैं ये आर्ट एंड क्राफ्ट स्टार्ट किया है तब से मुझे आज तक कोई भी चीज़ वेस्ट लगती ही नहीं है। मतलब मुझे जहाँ जो भी कार्डबोर्ड दिखाई देता है, जो भी बॉक्स दिखाई देता है, तो मैं उसे संभाल के रख देती हूँ और वो मेरा कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। और जैसे ये वाला प्लांट भी देख, ये वाला देखिए, ये प्लांटर थोड़ा बड़ा प्लांटर है, और मतलब मुझे अब लगता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट होती ही नहीं है, बस आपको उसे यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए कि आप उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मतलब छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मतलब हमारे पास जो भी वेस्ट पड़ा रहता है हमें उन्हें अब फेंकने की ज़रूरत नहीं है, हम उनकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और बस बनाते रहेंगे कुछ ना कुछ। और चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।